नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जुड़ चुके हैं बिग बॉस की अपडेट के साथ। और बिग बॉस की अपडेट हम आपको शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, जब से एलविश यादव घर में आए हैं, घर का माहौल पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ना कि घर का माहौल बल्कि बाहरी दुनिया में माहौल चेंज होता नजर आ रहा है। जी हाँ, जब से एलविश यादव आए हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या थ्रेड ऐप हो, जहां कहीं भी देखा जाए एलविश यादव ही ट्रेंड कर रहे हैं। और अभी बिग बॉस की जो ट्रेंडिंग यानी कि जो नंबर वन नंबर टू के हिसाब से पोजीशन आई है, आप उसकी रैंकिंग सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी तक एलविश यादव के आने से पहले जहां फुकरा इंसान एक तरफा गेम खेल रहे थे और वो ऐसा लग रहा था कि वही जीतेंगे, पर अब उनके आने से गेम बदल गया। जी हाँ, एक तरीके से दोनों अच्छे दोस्त तो हैं, पर पहले जहां फुकरा इंसान नंबर वन की रैंकिंग पे चल रहे थे, अब उनको पीछे छोड़ते हुए एलविश यादव इस समय हफ्ते के ट्रेंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो एलविश यादव नंबर वन और फुकरा इंसान नंबर टू पे आ गए। ऐसा नहीं है कि फुकरा इंसान अपना गेम उनका कमजोर हो गया, वो गेम तो अभी भी अपना वैसे ही खेल रहे थे जैसे ही खेल रहे, पर एलविश यादव आए हैं, उनके बीच जो लड़ाइयाँ हुई है, जो उनका एक तरीके से सरकाज़म का जोक होता है, लोगों के साथ मिल रहे हैं, वो एक तरीके से पोक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लोगों को, बाहरी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर आप, आपको बता दें, अगर एलविश यादव के बारे में आप जानते होंगे तो बाहर भी ऐसे ही थे जैसे वो घर में। तो ये थी एलविश यादव की। और अगर आप बात करें कि कल के एपिसोड में क्या हुआ, तो जैसे कि हमने आपको कल ही बताया था कि सलमान खान वीकेंड का वार होस्ट नहीं करने वाले किसी रीजन की वजह से, और वो चीज कंफर्म हुई जब कल वीकेंड का वार आया। उसमें कृष्णा अभिषेक जो लगातार चार वीकेंड के वार पे आ रहे थे, इस बार वो होस्ट करने आए, पर जैसे कि उम्मीद लोग कर रहे थे कि शायद उतना अच्छा ना करे, पर टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से किया। जैसे सलमान खान का एक अपना अलग तरीका है, वो चीज़ उसको कोई मैच नहीं कर सकता, पर जिस हिसाब से कृष्णा अभिषेक ने किया वो मतलब तारीफ के लायक तो था। तो सबसे पहले बता दे हुआ क्या, तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे पहले से ही लाइव में वो दिखा दिया गया था, पर कल के एपिसोड में अविनाश और एलविश की एक मतलब तगड़ी फाइट दिखाई गई। वो क्या थी, वो कॉफी को लेकर, क्योंकि एलविश जब से आए हुए थे वो थोड़ा सा छेड़ देते और उनका जो अविनाश का गुस्सा वो फूटा, वो होने के बाद ये एक लड़ाई खत्म हुई। फिर उसके बाद होती है बेबिका और मनीषा, जो कुछ टाइम से फिर से दोस्त बन गए थे, पर उनकी दोस्ती किस बात पे खराब हुई, क्योंकि एलविश यादव वही है ना, एलविश यादव दो लड़कियों की लड़ाइयों के बीच एक कारण बना हुआ, क्योंकि एलविश मनीषा के साथ भी, उसके साथ भी, और शायद बेबिका को ये पसंद नहीं है। और बेबिका ने एक चीज बोली कि ये मनीषा जो है ये लड़कों को देख के फिसल जाती, यानी मर्द को देख के फिसल जाती, जो मनीषा को अच्छा नहीं लगा। उस चीज पर काफी बहस हुई, पर सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा कि जब कृष्णा अभिषेक होस्ट कर रहे थे और वहां पे घर वालों से बातचीत कर रहे थे, वहां पे वड़ा पाव मतलब बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते वाला टास्क हो रहा था, उस दौरान मनीषा को अविनाश ने एक वर्ड बोला जो बिल्कुल भी सही नहीं था। ये बात अलग है कि उन्होंने बाद में माफी मांग ली, पर वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने बोला, मनीषा को साली बोला, जो गाली है, और एक तरीके से किसी भी लड़की को बोलो वो कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको तुरंत अभिषेक ने उसको पॉइंट किया और बाद में अविनाश को रियलाइज हुआ और उस चीज़ को जाके उन्होंने माफ़ी मांगी। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि अविनाश की, यार आप ये देखो कि अविनाश की इतनी फाइट हुई एलविश के साथ, वहां पे उसकी जवान नहीं खुली इस तरीके से, पर लड़की के सामने जो उसके ऊपर आरोप लगते रहे उस चीज को उसने फिर से साबित किया। थोड़ी सी बात क्या हुई, उसने सीधा साली बोल दिया, और उसकी जो बहुत अच्छी दोस्त पलक है उसने भी इस चीज से नाराजगी जाहिर जरूर करी कि आप ऐसे लड़की को कैसे बोल सकते। तो ओवरऑल यही था कि वीकेंड के वार पे कि वहां पे कृष्णा अभिषेक ने एलविश की तारीफ करी, उसको सम्मान, एक शॉल भी अविनाश के हाथों दिलवाया, और क्योंकि पता है कि कृष्णा अभिषेक की बातों से लग रहा था, दो चीज उन्होंने वहां से हिंट दिया कि फुकरा इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, ये एलविश यादव ने उस चीज को हिंट दिया। दूसरा कि वहां पे जो एलविश यादव की फैन फॉलोइंग है वो कृष्णा अभिषेक को भी पसंद है, और कृष्णा अभिषेक को उस चीज का अंदाज, क्योंकि बाहरी दुनिया में जो चल रहा है वो सबको पता होता है और कृष्णा अभिषेक बाहर से आते हैं, और ये चीज पूरा बिग बॉस के जो वीकेंड का वार में उसमें दिखाई दिया कि फुकरा इंसान और एलविश यादव बाकी घर वालों से काफी आगे चल रहे हैं। तो ये थी पूरी अपडेट। अब आगे क्या होने वाला, क्योंकि अब जो आगे आने वाला वीक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि अब होंगे टास्क,
अब होगा नॉमिनेशन, और जब टास्क और नॉमिनेशन होता है तो लड़ाइयाँ होती है, और फैंस को बेसब्री से इंतजार है क्या जो एलवी शादो फुकरा इंसान की दोस्ती वो आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगी, या फिर जैसे हमने इतिहास में देखा है कि दोस्तियाँ चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो बिग बॉस के घर में आके टूट जाती, तो क्या ये दोस्ती कंटिन्यू रहेगी या फिर क्या होता है, सारी अपडेट के साथ हम आपको इसके साथ जुड़ते रहेंगे। अगर आपको बिग बॉस की अपडेट पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।